नमस्कार, मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बना रही भुने चने से मिठाई, जो हम बिना गैस जलाए बनाएंगे। इसके लिए पहले हमने ये चना लिया जो 200 ग्राम का पैकेट है, इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये जो हमने चना पीसा था, ये उसका इस तरह से ग्राइंड, ये हमने जो चना पीसा था उसका आटा है ये, उसको हमने ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें हम ये नारियल का बुरादा डालेंगे, आधा कटोरी नारियल का बुरादा है। इसमें मैंने कुछ काजू और बादाम पीस दिए, ये भी मैं इसमें डाल देंगे। इसमें अब हम वो डाला था, इसी में हम आधा चम्मच, आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। मिल्क पाउडर से इसका स्वाद अच्छा आता है। और इन सबको मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर थोड़ा सा मीठा होता है। अब हम इसमें किसी भी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बूरा डाल रही हूँ। बूरा आप अपने अकॉर्डिंग, जितना आप मीठा खाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से डाल लीजिए। करने के आप अपने हिसाब से कम ज्यादा मीठा डाल सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। इसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लिया है, इससे हम हल्का हल्का सा इसका आटा गूंदेंगे। ज्यादा वो भी नहीं करना है, गीला भी नहीं करना। इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे डाल के इसका एक डूब जैसा बनाएंगे। जैसे डूबल के तैयार हो गए, अब हम इसको दो भाग में धुल के रोल जैसे बनाएंगे। इसे रोल सा बनाएंगे और ये फॉइल पेपर लिया है, इसको हम अच्छी तरह से रोल करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। फिर आते हैं, इसे निकाल लिया है और इसमें मैंने टूटी फ्रूटी ऐसे लगा दी थी। आप चाहे काजू का पेस्ट या स्टील जो चांदी का वर्क आता है, कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनको इस प्रकार काट लिया है। ये हमारी बर्फी बनकर तैयार हो गई है और आप इनको खाइए, एंजॉय कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।